थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं स्वागत करता हूँ लोगों का, आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी एक आप खुद का एक स्टैंडिंग होगी आपकी इस फिल्म के साथ? जी डेफिनेटली, तभी कर रहे हैं हम लोग ये फिल्म। फिल्म सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा कि ये टाइटल क्या है, झुंझुना, वही मैं आया हूँ आज अपने डायरेक्टर से पूछने। तो आपको डायरेक्टर साहब एग्जैक्टली बताएंगे। हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि टाइटल जो है वो थोड़ा सा हम लोग शायद बदलें। तो आज रिक्वेस्ट रहेगी नीलकंठ जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और मनोज जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, देखते हैं हम लोग टाइटल कुछ बदलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट फिल्म का बहुत अच्छा है। जब मैंने सब्जेक्ट सुना था, मनोज जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी कॉमेडी की बहुत अच्छी पकड़ है, ह्यूमर की। तो मुझे था कि अब मेरे साथ फिल्म बनेगी तो हम कोई सीरियस पिक्चर तो बना नहीं सकते, तो कॉमेडी फिल्म ही बनेगी। तो इसका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि एक वन लाइनर ये है कि बाप दादाओं की ना वो एक पेपर है, मीडिया पेपर है जो चल नहीं रहा है, मतलब उसमें कोई ऐसी खबरें ही नहीं आती जो बिकती हैं, लेकिन एक कॉलम है जहाँ पर ताकत की गोलियों के बारे में, और ऐसे कॉलम बहुत बिकते हैं ना स्टेशनों पे इधर उधर। तो वो एक कॉलम जो है, वो एक बंदा जो हमारा राइटर है जो बहुत सीनियर, जो मनोज जोशी जी प्ले कर रहे हैं, तो जो की कैरेक्टर्स है मैं हूँ, मनोज जी हैं और एक लड़की है जो जो मनोज जी की वाइफ है और बहुत यंग बीवी है। तो मनोज जी की वजह से जो है हमारा पेपर चलता है, क्योंकि वो कॉलम ऐसा है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें दवाइयाँ और ताकत बढ़ाने की वो सब वो कॉलम में बताते हैं, तो वो कॉलम सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। और यूपी बेस्ड कहानी होगी इसकी, कानपुर बेस्ड हम लोग कर रहे हैं ना, कानपुर लखनऊ बेस्ड। तो मनोज जी को ये बंदा जो है पटाके रखता है, क्योंकि पता है इसकी वजह से ही पेपर चल रहा है। और जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो हम अक्सर बुलाते रहते हैं इस राइटर को कि आप इतना बढ़िया कॉलम लिखते हैं, हमारी लाइफ बदल गई। तो मनोज जी के साथ मेरी ईगो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती, जहाँ पर उनकी यंग बीवी है और उनको लगता है कि वो लड़की का जो है कृष्णा के साथ चक्कर चल रहा है। ये एडल्ट कॉमेडी रहेगी? नहीं, मेजरली हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना रखें। जैसे विक्की डोनर अगर आप देख लो जी, तो उसमें भी काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा दायरे में रहकर ही करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ए सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर वो है ना, अभी क्या कूल है हम भी लगी थी है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो आप इन फिल्मों का पार्ट रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये विषय वस्तु नहीं, फिल्मों का नहीं, मैं एक ही पिक्चर की थी, वो भी मैंने क्या कूल है हम की थी। तो फिर भी ऐसा विषय वस्तु चुनना मतलब थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है और मनोज जी ने जिस हिसाब से लिखा है उसको, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से पिरोया है उसका स्क्रीन प्ले और हमने सब सुना है, तो एक्साइटेड है काफ़ी करने के लिए। कृष्ण जी, जैसा कि आपने बताया आपकी फिल्म कॉमेडी है। जी, कॉमेडी रहेगी, कॉमेडी रहेगी, और जो आप इन दिनों आपको बचाव कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ये सब भी कॉमेडी है, तो लोग 250-300 रुपए देकर आपकी ये कॉमेडी फिल्म थिएटर में देखने क्यों जाएंगे? देखिए आजकल ना शो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए जहाँ पर वो बात है, तो आज की डेट में सभी लोग टेलीविजन के ऊपर हैं और आज की डेट में ना कॉन्टेंट चलता है, ये अच्छी बात है कि चलो पॉपुलैरिटी मिल गई। सो हम इतने टाइम से कॉमेडी सर्कस और इतने सारे कॉमेडी शोज़ कर रहा हूँ, तो एक लर्निंग प्रोसेस में सीखा भी हूँ, यू नो, ह्यूमर आदमी करते करते और बेटर होता है, सीखता रहता है। तो ये है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए फिल्म का, तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म बहुत ही बड़ी हो तो ही चलेगी। आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, भले नए लोगों के साथ, जैसे आप प्यार का पंचनामा देख लो या जो भी कई सारी फिल्में जो बनी हैं, तो इस फिल्म का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है। और हमें पता है कि जितने एक्टर्स हैं हम लोग सब मिलके इसको इम्प्रोवाइज करके और चीज़ों को और बेहतर बना के ही शूट करेंगे इस फिल्म को। कृष्णा, काफ़ी व्यस्त हैं आप, बहुत बहुत परेशान भी हैं, प्रेशराइज्ड हैं आप इन दिनों जो आप शोज कर रहे हैं? जी जी, बहुत प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस हमने इतने साल चलाया है, ठीक है, की बेस लोग 2-3 लोग थे जो कॉमेडी सर्कस चलाते थे, जिसमें कृष्णा सुदेश, कपिल शर्मा और भारती, हम 3 लोग थे। चलो वो 8 साल चला, फिर उसके बाद हम लोगों को कॉमेडी क्लासेस किया हम लोगों ने, कॉमेडी क्लासेस का भी ठीक ठाक कुछ मेजर रिस्पांस नहीं रहा, ठीक ठाक ही रहा, मतलब चलो एक शो आ रहा है उसकी TRP भी ठीक ठाक आती गई। फिर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कॉमेडी नाइट्स बचाओ करना,
क्योंकि उसी इतने बड़े नंबर वन चैनल है कलर्स और संडे को ये हमारी पिक्चर का गाना नहीं है, उनको ऐसा ना लगे मैं बता दूँ, मोबाइल बज रहा है। हाँ तो संडे को कपिल जो कि इतना बड़ा शो था अभी हो गया तो था बोलना पड़ रहा है शो था कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि सैटरडे को अगर हम बचाव लेकर आते हैं तो क्या होगा हमारा, और अगर हम ड्रॉप कर गए, अगर बचाव कॉमेडी नाइट्स बचाव नहीं चलता, टीआरपी नहीं आती, तो मतलब फिर मैटर वो हो जाता कि भैया अब पैकअप है, पैकअप टाइम आता है ना एक्टर लोग का कि फिर टेलीविजन से आज की डेट में पैकअप होना मतलब बहुत बड़ा पैकअप होना, तो फिर इतना बड़ा रिस्क लेके हम लोग ने ये शो किया। जब कॉमेडी नाइट बचाव शुरू हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं, कभी मीडिया से मेरे को इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला, तो आज फर्स्ट टाइम आप लोग मिले, कि मुझे लोगों ने कहा कि आपके शो पे कोई नहीं आएगा, कॉमेडी नाइट्स बचाओ रोस्ट है और हिंदुस्तान में रोस्ट नहीं चलेगा। तो हमने बोला हमारा कोई एआई भी रोस्ट की तरह रोस्ट नहीं है, हाँ लेग पुलिंग जिसको हम कहते हैं लेग पुलिंग है, हल्का फुल्का, हाँ कभी कभार हम ओवरबोर्ड भी जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नहीं जाते जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जो आप कर रहे हैं ये अब बड़े स्टार्स आपके शो पे नहीं आएंगे प्रमोशन पे, तो वो भी हमको डर था। हमने ओपनिंग की सोहेल भाई के साथ, मिका के साथ, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट रहा सलमान सर का। सलमान भाई आए शो पे और उन्होंने इतना एंजॉय किया, अगर आपने एपिसोड देखा आप लोगों ने तो गिर गिर के हंसे हैं वो। तो सलमान भाई के आने से शो ने एक बड़ा पिकअप लिया है ना हाँ तो सलमान भाई के आने से बहुत बड़ा पिकअप लिया। सलमान भाई आए तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया सब एक्टर्स को कि नहीं कि हम जा सकते हैं, कि लेग पुलिंग होगी लेकिन एक दायरे में रहकर होगी, एक रिस्पेक्टेबल, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टार बैठा है सामने तो उसकी रिस्पेक्ट रखना है। फिर शाहरुख सर आए, शाहरुख सर ने बहुत एंजॉय किया, दीपिका आई, दीपिका दो बार आके गई, रणबीर के साथ आई थी तमाशा के लिए, फिर रणवीर के साथ आई बाजीराव के लिए, फिर सभी आके गए। अभी तो जितनी प्रमोशंस हैं सब हो रही हैं बचाव में, और बचाव बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ हैं, मैं भी बाहर लाइव शोज़ करने जाता हूँ तो लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं, और रोस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है। जब वरुण धवन आया था तो वरुण सबसे, अब जितने एक्टर आते हैं सब आके बोलते हैं कि हमारा रोस्ट करो। वरुण ने मुझे बोले नहीं कृष्णा, बोलो जो बोलना है बोलना मेरे बारे में, मैं इन्जॉय करूँगा। तो अब ये हो गया, उल्टा ही हो गया सब, अब सब बोलते हैं कि रोस्ट करिए हमारा, हमारी लेग पुलिंग करी, हमको बहुत मजा आता है। But then comedy nights live, हाँ बस तो वो अभी उसी पे आ रहा हूँ मैं, तो ये खत्म हो गया, वो चल गया शो, तो हमको शांति हो गई और हम आराम से फिर शूटिंग करते थे, बड़ी खुशी खुशी कि टीआरपी आ रही है, चैनल बड़ा खुश है कि अभी फिर शाहरुख भाई फैन के लिए आ रहे हैं, फिर दीपिका को फिर ला रहे हैं, हम ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, सब फोन करते हैं हमको शो पे आना है। तो फिर एक दिन एक न्यूज़ मिली हमको विदाई की, सुबह सुबह हम उठे, फ़ोन आया कि अब कपिल जो है वो जा रहे हैं, वो अपना शो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कंटिन्यू नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि कॉमेडी नाइट बचाओ हम सैटरडे और संडे को लेकर आएंगे। तो चैनल ने बोला नहीं, अब कॉमेडी नाइट्स इसका हम लाइव नाम रखेंगे और ये आपको करना है शो, बस ये बोला उन्होंने। और मैं उठा ही था सुबह, जो भी थे जितने हैं, शीतल हैं, मनीषा जी हैं, राज सर हैं, सभी लोग हमारे प्रोडक्शन हैं ऑप्टिमिस्टिक्स, तो बस शाम तक जो है फिर मैं अपने रूम में ही था, बाथरूम में बैठा हुआ था कि अब क्या होगा, क्योंकि हर वक्त एक चैलेंज है ना। अब ये शो तो सक्सेस हो गया, अब इसको क्या करें हम लोग, तो टेंशन बहुत थी। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब कपिल ने जो शो खड़ा कर दिया वो कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा शो खड़ा करना, अपने नाम पे शो चलाना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, और बहुत टैलेंट है उनमें। तो एक घबराहट थी कि अब एक ऐसे लेवल पे वो शो को ले गया है और वहाँ से एग्जिट ले ली है, अब उसी लेवल पे पकड़ना, एक तो शो की आप यहाँ से शुरुआत करते नीचे से और शो को आप ऊपर लेके जाते हैं, अब शो है ऊपर हिमालय पर्वत के ऊपर बैठा हुआ और आपको अभी उसको चलाना है, तो बहुत टेंशन हुई हम लोगों को। हम लोगों ने मॉक शूट कई किए उसके सेट पे, क्योंकि एनर्जीज होती हैं, उन लोगों की एनर्जीज थी। पहले दिन जब मैं स्टेज पर आया तो घबराहट भी हो गई मुझे कि यार ये यहाँ पर ये लोग परफॉर्म करते हैं, वहीं खड़े हो गए हम लोग आके, कैसे होगा क्या होगा।
लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी पानी में तो धकेल दिया ऊपर से, जाओ बेटा कूदो, अभी नीचे शार्क भी है, ये भी, अभी आदमी को बचना है। तो लकीली हमारी ओपनिंग जो रेटिंग्स अभी हमारा बीटी में भी आया था मेरा और कपिल का, कि हमारी हमने बहुत अच्छी रेटिंग्स पे शो की शुरुआत की है, और सोशल साइट्स पे बहुत गालियां पड़ी मुझको, आपने देखा होगा कि ये वो हटा दो, ये क्यों कृष्णा कर रहा है, कपिल को ही लेकर आओ। तो वो जायज़ था, क्योंकि क्या है कि एक ऑडियंस बंधी हुई है आपके साथ में, एक फैन फॉलोइंग है। जैसे बचाओ में अगर आप भले मनीष बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, ठीक है, आप मनीष को ले आओ और उसके साथ कोई टेलीविजन की लड़की ले आओ, कोई डाइजेस्ट नहीं करेंगे लोग, बोलेंगे कृष्णा और भारती चाहिए हमको, क्योंकि वो एक आदत पड़ गई है। तो लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्या मैंने दो तीन इंटरव्यूज़ में ये कहा कि जब मिहिर की एग्जिट हो गई थी तो हाँ, फिर रोनित रॉय भी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी शो चलाया था। तो हमारी जो ऑडियंस है ना टेलीविज़न की, तो उनकी क्या बोलते हैं, मेमोरी भी ज़्यादा वो नहीं रहती, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो मुझे था कि चलो आदत पड़ जाएगी, एक आदत पड़ने की देरी है। अभी तीन ही एपिसोड हुए, कल ही हमारा धर्म जी और सनी और बॉबी के साथ हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, और पहले बार तो बहुत गालियाँ पड़ी जब हमने फर्स्ट एपिसोड किया था, माधुरी जी आई थी उसमें कि इसमें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा कर लो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, भारती को ऐसा कर दो, उसको ऐसा। तो सजेशन ले लेके अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो एपिसोड आया है उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, एटलीस्ट 55-60%। अब थोड़ा सा गालियाँ भी कम हो गई हैं, अब बोल रहे हैं इट्स ओके, यू नो, ऐसे धीरे धीरे। तो फिर ओके से ओके, वेल वेल में शायद गुड में भी बदल जाए। तो हमारी तो मेहनत जारी है। सर ये कॉम्पिटिशन आपका और कपिल का हमेशा जैसे सुपरस्टार्स का हो गया, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक, ये शुरू से था। ये आप इसको कैसे, क्या ये सही में आप टीवी इंडस्ट्रीज के दो टॉप लोगों का कॉम्पिटिशन मान रहे हो, और इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, बहुत हेल्दी देखते हैं। मैं तो चाहता था कि कपिल अपना शो करे, मैं सही कह रहा हूँ, और आप, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मैं उससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, लेकिन उनका स्टाइल बहुत अलग है। अगर आप मुझे देखें ना, मैं बहुत स्लैपस्टिक कॉमेडी करता हूँ, बहुत लाउड, और मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, और वो उसका बहुत ही सटल, वो एक एक वन लाइनर्स वाला कपिल का स्टाइल है। तो ये अच्छी बात है कि दोनों का स्टाइल ही बहुत अलग है। कॉमेडी नाइट्स लाइव में भी कर रहा हूँ, तो हमारा स्टाइल ही अलग है करने का, उनसे बहुत अलग है। भले वॉकिंग्स और ये चीज़ें फिर बाद में एक ही हो जाती हैं, जैसे गुत्थी या पलक थे या फिर कोई लड़की बन के आता है, तो वो तो सिमिलर हो ही जाते हैं, लेकिन स्टाइलिंग बहुत अलग हो जाता है। ये कॉमेडी सर्कस से हाँ हम दोनों का चलता आया शुरू से, जब कपिल ने आके 4 सीजन एक साथ जीत लिए थे, मैंने एक बार ट्रॉफी भी तोड़ दी थी गुस्से में कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं डिजर्व करता था जीतना। तो ऐसे वो, मुझे क्या पता था कि वो इस ऐसी जगह पर आ जाएगा कि फिर शोज ही बदल जाएंगे, उसका जो हम करने लगेंगे वो चला जाएगा कहीं पे। तो ये लेवल का पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है ना सर कि ये सब चीजें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सब साथ में काम करते थे, क्योंकि वी ऑल वर्क टुगेदर ना, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक बार साथ में काम, जैसे अभी भारती के साथ हमारा, मेरा रिलेशनशिप कैसा है, ऐसे ही कपिल के साथ था। लेकिन वो था क्यों, मैं कह रहा हूँ क्योंकि कपिल ने मुझे कॉमेडी नाइट्स कपिल में लगातार 1.5 साल तक बुलाया। प्रीति भी मुझे बोलती थी कई बार तुम आ जाओ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं आपके शो में आके ना, वो जो 2 मिनट के या एंट्रीज नहीं करते लोग, 2-2 मिनट की, मैंने कहा मेरा वो कैलिबर नहीं है कि मैं बीच में आके 2-2 मिनट करूँ। या तो आप मुझे स्क्रीन स्पेस पूरा मिले साथ में करने, वो आप मुझे देंगे नहीं। जैसे भी कॉमेडी नाइट्स लाइव में या बचाओ में कोई तीसरा बंदा आता है, उसको हम अपना स्पेस नहीं देते ना, क्योंकि आप, हमारा शो है, हम, ऑडियंस हमारी होती है वहाँ पे, चीज़ें हमारी होती हैं, स्क्रिप्ट हमारी होती हैं, तो हम ओवर पावर करते हैं लोगों को, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, हम ओवर पावर करते हैं, क्योंकि हमारी लाइंस होती हैं, हमारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं चाहता, मैं नहीं चाहता था कि मैं कपिल के शो में जाके 2-2 मिनट की चीज़ें करूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। कृष्णा इसमें मतलब कभी ईर्ष्या, मनमुटाव, ईगो, ऐसे आपको लगते हैं, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू दिस, ये चीज़ें हैं क्या, मनमुटाव, ईर्ष्या या ईगो? ऐसा कुछ मेजरली नहीं है, ऐसा नहीं है कि, देखिए हम रिस्पेक्ट तो एक दूसरे की हमेशा ही बहुत करते हैं, एक दूसरे के टैलेंट की भी करते हैं। शायद कपिल भी मेरे बारे में यही कहे कि, और मुझे पसंद भी करते हैं बहुत, तभी वो चाहते थे कि मैं उनके शो पे जाऊं।
लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वो मन मुटाव हो गया है वहाँ से। जब मैं उनके शो पे नहीं गया तो वो मेरे से बहुत अपसेट थे, मुझे बीच में बुला के मैं मिला भी था एक बार, तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं बहुत अपसेट हूँ तू मेरे शो पे नहीं आया। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए हैं कि अभी मन मुटाव कुछ अभी बढ़ गया, क्योंकि वो उसी का स्टेज मेरे को दे दिया करने के लिए। तो मैंने कहा मैं मुझे दिया है, मैंने आके आपने खुद एग्जिट ली ना, मैंने थोड़ी चैनल को आके बोले काम करो आप कपिल को हटा दीजिए मेरे को ले लो, और फिर मुझको लिया गया है। एग्जिट तो कपिल ने ली है, तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है यहाँ, ऑप्टिमिस्टिक्स की क्या प्रॉब्लम है जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है और हम लोग हैं। Now he is coming again with the show हाँ, on Sony. yes. और competition और बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आए शो। मैं तो एक्साइटेड हूँ पहला एपिसोड देखने के लिए कि वो क्या लेकर आते हैं अभी। क्योंकि वो हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए ना, क्योंकि एक एक पहले सिर्फ कॉमेडी सर्कस ही था हिंदुस्तान का नंबर वन कॉमेडी शो, कौन सा है कॉमेडी सर्कस जो इतने साल चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद उसमें शो का पार्ट रहा हूँ 8 साल। फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बना, अभी बचाव है और लाइव है, उसके अलावा कोई शो नहीं है टेलीविजन पे, इतना बड़ा शो नहीं है। अब जब वो शो आएगा तब मजा आएगा। लड़ने का भी एक अलग मजा होता है रेटिंग्स के लिए कि अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, अच्छा अभी उन्होंने ऐसा किया है तो हम ये करेंगे। तो उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन में आपका काम ही बेहतर हो रहा है। क्योंकि देखिए मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला एक जब दबंग आती है ना तो फिर सिंघम भी आती है, फिर राउडी राठौड़ भी आती है। तो हर आदमी अपने स्टाइल में उस तरीके की देखा जाए जॉनर और चीजें, वो फिल्मी पना तो तीनों फिल्म में था ना, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी स्टाइल से अपने आप को लेकर आ रहा है। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि उन्होंने दबंग दी तो हम अभी सिंघम लाएं, अभी वो कुछ और लाते हैं तो फिर हम कुछ और लाएंगे। तो ये तो लड़ाई बहुत तेज गर्म होती बड़ी गर्म और बहुत मजा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एक चीज और, सेंट्रल कपिल शायद कहीं बदल गए, उनके रुख में बदला, थोड़ा रेस्ट लेने के। नहीं नहीं कंटिन्यू कर जरूर। नहीं मैम।